तो हम लोग हैं कानपुर के चिड़ियाघर में। तो हम लोग चिड़ियाघर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेन गेट। तो ये चिड़ियाघर का बच्चों का प्लेग्राउंड है। तो यार देखिए हमारा दोस्त झूला झूल रहा है जो कि बच्चा चिड़ियाघर का झूला। तो इस तालाब में जो है एक मगरमच्छ है जो कि दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है, थोड़ा दूर पर रहा है, इसी के कारण आपको मगरमच्छ दिख रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मगरमच्छ मूव कर रहा है, वहाँ पे शांत है, इस तालाब में बहुत है। चिड़ियाघर जाने का अंदर का मैप है जो कि दिख रहा है। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे तालाब है, पानी है, यहाँ पे चारों तरफ पंछी हैं, हंस हैं। अभी तो कोई शेर और मिला नहीं, बड़ा जानवर, सब नॉर्मली छोटे छोटे पंछी मिल रहे हैं। आगे चल के देखते हैं क्या मिलता है, इसके बाद आगे पता ही लग जाएगा क्या है। इस तालाब तालाब में देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पक्षी है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है, आप सभी को दिख ही रहा होगा, बहुत ही प्यारा नज़ारा, कितने अच्छे सुंदर सुंदर पक्षी हैं। हमने भालू दिख रहा है आपको, काला काला भालू है, ये रहा भालू, जाके अपने घर में घुस गया वो, उसको धूप लग रही होगी। आपने गैंडा कभी नहीं देखा होगा, आप पहली बार देख रहे हैं हमारे साथ। जंगली मूवी की तरह बहुत ही प्यारे प्यारे जानवर है यहाँ पे। सियार का घर, जहाँ सियार और गीदड़ रहते हैं, एक दो गीदड़ भी हैं, ज्यादा इनकी जनसंख्या भी नहीं है। तो ये जानवर है काकड़, आप काकड़ को नाम भी नहीं जानते होंगे कि क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बारहसिंघा की तरह है, बारहसिंघा नहीं यार, यहाँ आई मीन हिरण के जैसे इनकी बनावट है, थोड़ा दांत भी इनका बड़ा बड़ा है, आगे कुत्ते की शक्ल के हैं। पच ये काकड़ अपने पेट भरने में मस्त हैं, घास को खा रहे हैं नॉर्मली। तेरे भाई कानपुर का चिड़ियाघर है, बहुत ही बड़ा है, हम लोग घूमते घूमते थक गए हैं, जो यहाँ पे विश्राम भी कर रहे हैं। चिड़िया घूमे अभी हम लोग पूरा घूमे भी नहीं है, इसमें हमने बाघ देखा, हिरण देखा, लेकिन अभी हमने शेर को नहीं देखा है, आगे पता नहीं मिलता कि नहीं। यहाँ पे चीत अजगर भी नहीं है। ये हम लोग जो ट्रेन जा रही है पीछे, यहाँ पे ट्रेन जाती है जिसपे आप बैठ के घूम सकते हैं पूरा। बारहसिंघा यहाँ पे आप देख रहे हैं, बहुत ढेर सारे बारहसिंघे हैं, दिख रहे हैं आपको पोडियो में। बब्बर शेर देख सकते हैं आप, असीला, अरे बब्बर शेर थक के बस बैठ गया है, इसकी एनर्जी लॉस हो चुकी है, बेचारे को खाना चाहिए।